हेलो गाइस, कैमरा टेस्टिंग हो रहा है, कैमरा चल रहा है। शाहिद कपूर का उसमें नाम किया था कबीर। अरे यार क्या बेवकूफ, क्या दिमाग ही नहीं है यार इस औरत में। और लड़की का नाम क्या था? बाला का है भाई। हीरोइन का नाम? बाला का है भाई। कियारा मूवी में? बाला का है भाई। चलो गाइस फिर शुरू करते हैं। अरे यार इनका तो मेकअप ही नहीं होता। अगर हम करें तो करें क्या? बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीतिस व्लॉग। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप सो सब अच्छे ही होंगे। आज डायलॉग एक्सचेंज हो गए हैं। समझ रहे हो? आज हम करने वाले शाहिद कपूर की नई मूवी ऑफिशियल ट्रेलर जर्सी। यस, जो 31 दिसंबर को रिलीज होगी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये शाहिद कपूर की दूसरी मूवी है जो साउथ की उन्होंने करी yes, है। पहली, और पहली तो उनको पता ही हुआ कबीर सिंह जो बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी और बहुत अमेजिंग मूवी है वो। और होप सो ये भी बहुत ही हिट होगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और इसका ट्रेलर देख के अभी पता चलेगा, हमने भी देखा नहीं है ट्रेलर। तो आज फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, हम लोग शेयर करने वाले हैं। कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। यस, लेट्स स्टार्ट। सॉरी, माय गॉड, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे ये रहा यार, ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए ना मेरे को ऐसी हीरोइंस जो नई नई आती है उनके साथ काम करने में मजा नहीं आता। कैसा लगा मेरा मजाक? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं क्या है ना, मैं एकदम प्रोफेशनल हूँ। और मेरा जो असिस्टेंट गजब बेइज्जती है। ओके सॉरी, नहीं मैं क्या अपनी खुद की तारीफ कोई मेरी करता है, नहीं तो खुद ही कर लो। ले जाओ इनको कोई तो। लेट्स स्टार्ट। विद्या, किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। टीवी के पास करंट बिल के 100 रुपीस रखे, आज भी पे नहीं किया तो कट कर देंगे। किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। मुझे पता है मेरे अकाउंट में। पता है? ठीक है, नहीं देना मुझे। प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो। अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। पैसे चाहिए थे यार, उसने जर्सी मंगी है मुझसे, 500 दिए। अपने घर में अपनी बीवी से चोरी कर रहे हो तो हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम। बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिसनिंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। ये स्टोरी बहुत इमोशनल होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छोड़ गया सर, भागा था तू वहाँ से। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुख दे, साबी न मुख दे, के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा विद्या। बहुत ही ये इमोशनल स्टोरी होने वाली है। और सीरियस है ना। हाँ, और एक पापा और बेटे की स्टोरी है। वो उसके बेटे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और वो क्या क्या करता है उसके लिए, मतलब एक जर्सी के लिए, एक 500 रुपीज की जर्सी के लिए वो क्या क्या करेगा, लेट्स सी। अरे मूवी पैसे चुराने तक की बात आ गई। वही उससे पहले ये भी क्रिकेटर था। हाँ दिखा है ना, उसके पहले ये भी क्रिकेटर था और इसने तो वो नहीं कर पाए तो चाहते अपने बेटे कर पाए। वही यार, बहुत ही मजा आएगा।
अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। Jersey. It's time for your decision. तुमको लाइफ में क्या चाहिए? And if you choose cricket, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बहुत खराब चीज होती है, पता है? शादी के बाद खुद के पैशन को भी मारना पड़ता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसी शादी का मतलब ही नहीं होता। जो पास्ट में जो ये क्रिकेटर था उसमें ये सोचते होंगे कि मे बी हस्बैंड नहीं कर पाया तो अच्छा भी ना करे। मे बी ऐसा हो सकता है। मे बी वही स्टोरी तो देख के पता चलेगी। और ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी होगी, बहुत ही मजा आएगा। मतलब कबीर सिंह जैसी मूवी बैकग्राउंड मे बी इसका जो स्टार्टिंग होगा डेड That would be like Kabir Singh, क्योंकि उसपे शायद बुलेट पे चलना बैकग्राउंड म्यूजिक और किसी सिंह वो सब भी है लाइक कबीर सिंह। और इस बार हीरोइन है मृणाल ठाकुर करके है हीरोइन, और अपनी इनके रियल फादर भी इसमें कोच है, फादर का कोच है, कोच है, क्योंकि बोला था इससे बेहतर बैट्समैन कोई होगा नहीं। लास्ट टाइम खुश इसको तभी देखा था जब ये ग्राउंड पे था, और ये इंडियन टीम के लिए हो सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है टेलर देख टेलर ये ऐसी है भाई, ये लड़कियां जहाँ होती है तो कपड़े सिलने वाले ही आ जाते हैं। ट्रेलर देख के आपको पता चल ही गया होगा शाहिद कपूर जो अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं और मुरन मृणाल अरे यार इसको तो टंग स्लिप होती है इसकी। हाँ सबकी होती है वो तो। नहीं मेरी नहीं होती। ये बढ़िया था गुरु। सब्सक्रिप्शन बोलो, सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब। बेटे ओ बेटा माज कर दे, आज बोला है सही। तो वो जो मतलब बेटे का रोल करा है टीटू कि किट्टू, किट्टू है, तू पागल है, तू किट्टू का बाबा है। अरे भाई ये तो सबको मिक्स कर रही है आज भाई। ये ना चैनल को डुबाएगी, किसी दिन चैनल को डुबाएगी। ओ किट्टू मतलब जो बच्चे का रोल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? रोनित, रोनित कामरा नाम है उनका। तो उनकी फर्स्ट मूवी होगी मे बी, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। अरे बहुत बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रियल फादर एंड सन की स्टोरी, मतलब एक्ट प्ले हो रहा है ऐसे लगता है। और जो मस्ती भी है वैसी ही है दोनों की। और जो प्रॉमिस करते अपने कैसे अपने पापा अपने बोलते ये दिला दूंगा प्रॉमिस तो टेंथ में इतना ला। पंकज कपूर और जैसे शाहिद कपूर की बॉन्डिंग है बिल्कुल वैसे लग रहा है कि वो भी उनके आगे की पीढ़ी शुरू शुरू ही हो गई है, ऐसा ही लग रहा है। तो वो तो वीडियोस देख लेंगे। वेट अ मिनट, वीडियोस नहीं मूवी देखेंगे, मूवी देखेंगे। ये आज इसका दीपक है। अरे भाई तू यहां क्या कर रहा है? घर चले। अरे उठ भाई, कल रात को सोए थे ना प्रॉपर्ली। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ। कीप सपोर्टिंग, यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब अभी मेरे को बोलने में तकलीफ है। और कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। यस हां वो जरूरी है, दबाना नहीं भूलना। बाय बाय।